रेवाड़ी की सब इंस्पेक्टर बीना राणा ने नए साल पर ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वाले वाहन चालकों को एक अलग अंदाज से जागरूक किया। शहर में लेडी सिंघम के नाम से चर्चित सब इंस्पेक्टर बीना राणा ने 2019 के पहले दिन बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वाले चालकों को गुलाब का फूल देकर यातायातियों का पाठ पढ़ाया। आपको बता दें, सब इंस्पेक्टर बीना राणा को रेवाड़ी में सभी लेडी सिंघम बुलाते हैं, क्योंकि शहर की बिगड़ी यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए सब इंस्पेक्टर बीना राणा पिछले 6 महीने से जी जान से जुटी है। यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए इस सब इंस्पेक्टर ने सख्त रवैया अपनाते हुए अनेक अभियान चलाए, ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों के चालान काटे और इसका काफी असर लोगों में देखने को भी मिला। वहीं सबसे अलग नए साल पर सब इंस्पेक्टर बीना राणा ने अपने सख्त रवैये से हटकर शहर के चौराहों पर यातायात नियमों की उल्लंघना करने वाले चालकों को गुलाब का फूल भेंट कर उन्हें यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया और साथ ही चेतावनी भी दी। वहीं वाहन चालकों ने भी इंस्पेक्टर मैडम के इस अंदाज का स्वागत किया और आगे से यातायात नियमों का पालन करने का वादा किया। एक्सीडेंट का बहुत ज्यादा केस बन सकते हैं, इसलिए मैम का कहना मानूंगी आगे से और बिना हेलमेट के बाहर निकलूंगी। मैडम का तरीका कैसा लगा आज फूल देकर? हाँ, मैम का तरीका बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हैप्पी न्यू ईयर का और उनका कहना बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू मैम। मैडम ने हमारे को कहा कि कोई अगर गलत आदमी बैठता है सवारी अपनी पूरी बिठाए, फालतू सवारी ना बैठे गाड़ी में ना हो, और अगर कोई जेब पत्री वगैरह और कोई गलत आदमी बैठता है तो आप हमारे को सूचित करो ताकि हम इसका नाम को उनका वो कर सकें। ट्रैफिक रूल्स के नियम जो है रूल फॉलो करने की बात कही अभी? हाँ मैडम ने कही है कि अपने ट्रैफिक फॉलो में रहो, अपने जहाँ पे सवारी अपने स्टैंड पे उतारो, स्टैंड पे इसका नाम के वो करो और रोड के बीच में गाड़ी खड़ी अपना ऑटो खड़ा मत करो। नया साल है आज, फूल देकर आपको जो है तो क्या कहेंगे, क्या फॉलो करेंगे इन रूल्स? हाँ जी बिल्कुल करेंगे, इसको हम अपने फॉलो करेंगे और इसका नाम हम कम सवारी अपनी जो ऑटो में आती है सीट बाई सीट सवारी बैठाएंगे और स्टैंड पे उतारेंगे, स्टैंड से सवारी लेंगे और रोड के बीच में सवारी हम नहीं करेंगे। तरीका मैडम का नए साल बनाने का? ये नए साल को मनाने का बहुत अच्छा तरीका है मैडम का, इससे हमारे को सबको बहुत यानी कि हर ऑटो वालों को इसके ऊपर अमल करना चाहिए और इसका नाम के अपने हिसाब से सवारी बिठाएं और अपनी साइड में उतारें और ना लटकाएं और कोई गलत आदमी बैठता है तो उसको सूचित करें मैडम। मैडम पहले भी ऑटो वालों की सबके लिए अच्छी थी और अब भी अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डंडे नहीं, डंडों से भी नहीं माने, फूल से तो मानोगे? अभी फूल से क्यों नहीं मानेंगे, फूल से हम तो वैसे डंडों से मैंने नए वर्ष के ऊपर जिन लोगों को समझाया है, पहले तो मैंने उन सब क्षेत्र वासियों को मैं अपनी तरफ से बीना राणा की तरफ से सभी को नमस्कार करती हूँ और नया साल की का सभी देशवासियों का अच्छी तरह से नया साल बीते। और मैंने आज जो फूल देकर आपके आगे मैंने इन लोगों को बताया है जो बगैर सीट बेल्ट थे, ये बगैर हेलमेट थे, उनको ये बताया कि आज तो आज मैं नए वर्ष में आपको फूल देकर आपका स्वागत कर रही हूँ और आपको ये कह रही हूँ कि आगे से ऐसे अगर बगैर हेलमेट कल से कोई ऐसे चलेगा या कानून की उल्लंघना करेगा उसका मैं पूरी तरह उनको सख्ती से सामने आऊंगी। और अच्छी तरह यही मैं इनको कहना चाह रही हूँ कि सब जो है अच्छी तरह अपना जो है वाहन को चलाएं, शराब पी के ना चलाएं, हेलमेट पहन के ही घर से निकलें, इससे अपने शरीर का बहुत ज्यादा बचाव होता है। क्या तरीका पसंद आया लोगों को अभी तक, क्या कहा लोगों? लोगों ने सब जिनको भी मैंने फूल दिए हैं उनको बहुत अच्छा लगा कि आज मैडम बड़ी नरमी से हमें फूल दे रही है, लेकिन उनको ये तो थोड़ा महसूस हुआ कि मैंने उनको सख्त हिदायत भी दी है कि बगैर हेलमेट बगैर सीट बेल्ट जो नहीं लगाएगा या हेलमेट नहीं पहनेगा वो मैं सख्ती से उनके सामने पेश आऊंगी। क्या लगता है कि लोग रूल फॉलो कर पाएंगे? नहीं, तकरीबन जब से मैं लगी हूँ तकरीबन लोग जो है फॉलो ही कर पाए हैं और तकरीबन चल रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है। अगर कोई इक्का दुक्का है तो मैं तकरीबन 50-60 चालान रोज के करती हूँ, लेकिन आगे से बहुत बेहतर है, आपको भी तकरीबन पता होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रथम तहलका।